सर क्या नाम है आपका? बिल्कुल। अच्छा ये आपकी पेंटिंग है तो नेताजी को आप भेंट करना चाहते हैं। अच्छा इतना लगाव है आपको नेताजी से? हाँ जी, एक बार मैंने आरएलपी कटिंग भी करवाई थी। आरएलपी की कटिंग, ये कटिंग करवाई थी। अच्छा आपने एक बार आरएलपी की कटिंग भी कराई थी। अच्छा जैसा कि तो इतने बड़े फैन हैं आप आरएलपी के? जी। कब से? 2014 के बाद में। 2014 के बाद में आप आरएलपी के फैन हैं, क्या वजह रही है इसकी, इसके पीछे इतनी? हनुमान जी, हम समय आम जन गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं, विधानसभा से लेकर संसद हर मुद्दे को उठाते रहते हैं। अच्छा हर मुद्दे को उठा के लेते हैं, इसीलिए आप हनुमान जी से इतने प्रभावित हैं। अच्छा यहाँ पे जो ये जनसभा हो रही है बजरी को लेकर के, इसके बाद क्या लगता है बजरी के मामले को लेकर सरकार बात मानेगी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल मानेगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल बजरी मामले को पिछले काफ़ी समय से उठा रहे हैं, अभी तक तो इस मामले में कोई सहमति नहीं हो पाई है, क्या कारण है? अभी हो जाएगी आगे, अभी हो जाएगी जी। अच्छा हेमाराम चौधरी यहाँ के MLA हैं, क्या कैसा है कामकाज उनका? मेरा विधानसभा क्षेत्र चौहटन है और उनके कामकाज का तो हमें पता। अच्छा आप चौहटन विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा चौहटन के अंदर क्या समीकरण है, कौन बाजी मारेगा? आरएलपी। क्यों आरएलपी क्यों? बाकी कामकाज है नहीं, कांग्रेस का और बीजेपी दोनों एक साथ है, मिली जुली का ये खेल है दोनों का। अच्छा मिला जुली का खेल है, आपको कैसे बताइए मिला जुली का खेल है? विपक्ष में आरएलपी मुद्दे उठा रही है 4 सालों से बीजेपी है, अभी 2-3 महीने हुए है तब से जागी है, सो रही है पहले। आपका कहना है कि चुनावों को देखते हुए अब वो धरातल पे आए, इससे पहले सभी एक थे, ये आपका मानना है? अच्छा बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं दोस्तों इनके, ये आरएलपी के एक बहुत ही बड़े वाले फैन हैं और इनका ये मानना है कि 2014 के बाद में ये हनुमान बेनीवाल को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं बाड़मेर के धोरी मना से, और कुछ ही देर बाद में यहाँ पे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल यहाँ पे आएंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। बादशाह कई नाम है आप? खरताराम। अच्छा खरताराम जी, अच्छा रैली में आया आप? हाँ रैली। अच्छा कैंडी रैली है बाबा, कैंडी रैली है? हनुमान जी वोट रहा है। हनुमान जी वोट रहा है हनुमान जी री। अच्छा के मामले में रैली है? वोटों हारू है, पर अटे पोस्टर लागूड़ा है कि बजरी वास्ते रैली है, बजरी महंगी घनी है बिन वास्ते है। बजरी है बाबा, बजरी हर तो है ही, मांग है ही बजरी। हाँ बजरी मांग भी हारू है ऐसा। अच्छा कहीं लागे बजरी हस्ते होनी सही जे? सस्ती होनी सही जे। अच्छा बाबा बोट नेड़ा हुआ है कहीं लागे हमके घोड़ा माला नहीं, कौन बाजी मारी है? एमजी बाजी मारी है कि बोतल लाला आई कहीं है? बोतल लाला आई, बोतल लाला आई। अच्छा तो एमजी मेरी कहीं खराबी है? एमजी इतना साल राज की हो घना ही बोट दिया, घना ही दिया हमके खोदन क्यों अच्छा भाई साहब आप कहीं नाम है? ओम प्रकाश चौधरी। अच्छा ओम प्रकाश है, आज झंडी आप आरएलपी लगाई है कहीं 18+ हो गया क्या? हाँ 18+ है, 18+ है बोर्ड लागी हमके कहीं लागे घोड़ा मालानी में हमके की करे? घोड़ा मालानी आपकी बार भारी माता से आरएलपी की विजय होगी, आरएलपी की होगी। अच्छा आरएलपी की होगी, पर एमजी इतना साल कांग्रेस हूँ, हाँ गुड़मालानी विधानसभा माते राज कियो है, एक तरफा एम जी ने हम कोई टक्कर लेनी हो भी को होनी लगभग, पर हमके आरएलपी किकर का आपकी दाग जमा है कहीं लागे? आरएलपी इसीलिए दाग जमा है कि हेमाराम का यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है सरकार के अंदर, हेमाराम जी का काम नहीं चल रहा है, इसीलिए आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल का बहुत बड़ा समर्थन है और हनुमान जी की बहुत बड़ी जनता का समर्थन होने के कारण यहाँ पर मानते हैं लोग और सरकार भी मानी, और जो भी बजरी बजरी के लिए अलग यह जा रहा है करा है यहाँ पर उसके लिए इसके कारण मान लो सरकार झोंकेगी यहाँ पर। अच्छा कहीं लागे हनुमान जी रही सब बारे बाद में बजरी सरकार कहीं एक्शन में आई, कहीं बजरी हस्ती हुई लागे आपने? जरूर लागे सब, जरूर सस्ती होगी, बहुत सस्ती होगी। अच्छा बिल्कुल, और हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं।